मैं आ चुकी हूँ प्रिया नर्सरी, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, और मैं यहाँ पर लेने आई हूँ अपने गार्डन के लिए फ्रूट प्लांट्स। मॉनसून सीजन हिट कर चुका है, जो भी फ्रूट प्लांट्स आप लगाना चाहते हैं वो अपने गार्डन में इसी समय ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी वैरायटी मिल रही है फ्रूट प्लांट्स की, तो यहाँ से कुछ फ्रूट प्लांट्स लेके मैं अपने घर जाऊँगी और अपने गार्डन में ऐड करूँगी। इतने ज्यादा पौधे हो जाते हैं कि फिर मन कर जाता है। हम कंफ्यूज हो चुके हैं, हम कौन सा उठाएं कौन सा छोड़ें, लेकिन इतना ज्यादा वैरायटी है। गार्डनर का लालच हमेशा प्लांट्स को लेके होता है, ढेर सारे प्लांट्स खरीद लेते हैं गार्डनर। अगर आप भी ऐसे फील करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ देखिए कितनी सारी वैरायटी है फ्रूट प्लांट्स की। सबसे अगर आप फ्रूट प्लांट अपने गार्डन में आप ऐड करना चाहते हैं तो बेस्ट प्लेस है यहाँ से आके आप फ्रूट प्लांट्स लेके जाइए। यहाँ के फ्रूट प्लांट्स काफ़ी अच्छे सर्वाइव करते हैं। कि देखिए गर्मी में नर्सरी में भी ड्रैगन फ्रूट की हालत हो रही है, तो एक कॉमन चीज़ अगर हमारे घर में ऐसा हो रहा है तो ये सारी ड्रैगन फ्रूट की वेराइटी है यहाँ पर। और यहाँ देखें तो देखिए यहाँ नींबू की वेराइटी, बारहमासी नींबू है ये। यहाँ कुछ करी पत्ते पड़े हैं, और इधर आके देखें तो इधर पिंक ग्वावा है। ये ग्वावा वेरीगेटेड प्लांट है और बहुत ही अच्छे रेट पर है, ऐसा नहीं कि रेट बहुत ज़्यादा है। ये पिंक ग्वावा है ताइवान, और ये पर्पल फॉरेस्ट है ग्वावा। ओ चकोतरा जो बड़ा बड़ा सा आता है, ये कितने का है? 550 रुपए का है। ये बढ़िया है। और इसको छाई में लगाना है, धूप में लगाना है? ये नए पत्ते अभी आए, बहुत सुंदर है। तो ये इसका ये बोन मील का असर है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बोन मील और पत्ती का, देख रहे हैं डरे हुए। राइट। देखो आदमी से पूछा। जी हाँ जी, मैं समझ गई। तो आप लोग शो प्लांट्स के अंदर भी बोन मील और पत्ती की खाद को यूज करते हैं? ये सिर्फ पत्ती की खाद है मेरे पास। तो पत्ती खाद अंकल आप लोग खुद बनवाते हैं? बनाते नहीं, नहीं मैं नहीं बनाता। अच्छा, लेकिन मैं किसी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाता है। अच्छा, वो क्या करता है? हाँ जी देखिए, आप ये देखो सब में डाल हर फर्क यही है। अब आपको कौन दिखाता हूँ, मुझे शो प्लांट का नहीं पता था कि बोन मील शो प्लांट में भी पड़ रही है। ये देखिए सब में डालो, आप देखिए काला काला। हाँ जी हाँ जी। और इसके पत्ते देखिए, राइट, वो पत्ते देखिए, वो देखिए वो बड़े वाला। अब मैं आपको मनी प्लांट ऑक्सीकोडियम दिखाता हूँ। अब जल्दी देखिए ये सब हमारे फार्म पे बने हुए हैं। अब आप बोन मील का फर्क देखिए, इसमें भी आके देखिए पास। हाँ सर, देख लिया मैंने, देखा ना। अब इसका पत्ता देखिए, वो ब्राइटनेस। मैं आपके पॉइंट समझ गई अंकल, इतना बड़ा पत्ता। हाँ, मैं पॉइंट समझ गई। जब मिट्टी में ताकत आएगी तभी वो प्रोड्यूस करेगा। पीएच वैल्यू उसको बोलते हैं। भैया ये एस्पैरेगस है ना, ये कितने का है? अच्छा, किसी का लगा के रखा। ओ, और ये अमरूद, ये कौन सा? अच्छा रेड डायमंड वाला, ये मेरे पास है, ये वाला, ये दूरा रेड डायमंड। हाँ ये मेरे पास है। ये सब ये क्या है? ये फाइकस है ना, कितना सुंदर है इसका, ये देखो कितना प्यारा है ये। और यहाँ पे शो प्लांट्स की काफी अच्छी रेंज है। एक वो हिबिस्कस है जो कि भैया बता रहे हैं कि शेड में भी लग जाता है। तो भाई इसे मिली बग्स का अटैक होता है जैसे नॉर्मली होता है? इंसेक्टिसाइड के स्प्रे कर दीजिए अगर ये लंगड़ा। कौन सा होता है वो? नागराज। अच्छा, ऐसा आम है ना ये लंगड़ा, 30 साल में एक बार होता है? हाँ जी, जितना सब साल में एक बार, साल में एक बार। जो आपने मेरे को दिया है वो कौन सा? आम्रपाली है। आम्रपाली वो भी साल में एक बार होगा, वही सही है। फालतू में आम को क्यों परेशान करें। और ये देखिए एटीएम मैंगो 5,000 का रेट है, और तना देखिए कितना मजबूत है इसका, ग्राफ्टेड है ना ये भैया? ये आंवला है, ट्रॉफ वैरायटी का आंवला है, इसमें रेड भी है ग्रीन भी है। और ये इधर करौंदे का पौधा है, और ये है बनाना, और आगे हम आपको दिखाएंगे अंजीर के पौधे। अंजीर के पौधे भी यहाँ बहुत ही अच्छा हो रहा है। हाँ बस यही चाहिए, यही एक और दे दो मेरे को। ये ब्लैक गुआवा है, फिर यहाँ पर भी बहुत सारी है। खाले लालच करती हूँ मैं, बहुत लालच करती हूँ। गुआवा सीडलेस,
और इतने ज्यादा पौधे हो जाते हैं कि फिर मन कर जाता है। हम कंफ्यूज हो चुके हैं, हम कौन सा उठाएं कौन सा छोड़ें। लेकिन इतना ज्यादा वैरायटी है, गार्डनर का लालच हमेशा प्लांट्स को लेके होता है। ढेर सारे प्लांट्स खरीद लेते हैं गार्डनर। अगर आप भी ऐसे फील करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये ब्लैक तो इतनी सारी वैरायटी होती है फ्रूट प्लांट्स की और दूसरे प्लांट्स की, जब आप नर्सरी जाते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा लें कौन सा ना लें। तो मैंने अमरूद की कुछ वैरायटी ली है, जैसे कि थाई फाइव हो गया, इलाहाबादी सफ़ेदा हो गया, उस तरीके से मैंने भगवा अनार लिया है, वियतनाम माल्टा लिया है, ऐसे काफ़ी सारे फ्रूट प्लांट्स की वैरायटी ली है जो कि मैं अपने गार्डन में ऐड करना चाहती थी। फ्रूट प्लांट को चूज़ करते समय सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो माइंड में रखना होगा कि जिस पौधे का तना मजबूत है और उसके अंदर कोई भी फ्रूट आ रहा है, यानी कि वो जो ग्राफ्टेड प्लांट है वो आपके गार्डन में भी फ्रूट देगा। पौधा जब भी चुने गमले के लिए तो वो ग्राफ्टेड होना चाहिए या एयर लेयरिंग से तैयार होना चाहिए। आराम से कौन सा लग जाएगा? जिसकी तना मोटा हो मुझे वो आप देना। ये आंवला है, ट्रॉफ वैरायटी का आंवला है, इसमें रेड भी है ग्रीन भी है। और ये इधर करौंदे का पौधा है, और ये है बनाना, और आगे हम आपको दिखाएंगे अंजीर की पौधे। अंजीर के पौधे भी यहाँ बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो गाइस ये है अंजीर का पौधा, और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है इनके यहाँ। तो ये पौधा है हमारा इलाहाबादी सफ़ेदा है, अमरूद का पौधा, और ये एयर लेयरिंग से तैयार पौधा है जो कि 100% फ्रूटिंग करेगा। इसके बाद मैंने लिया है ये भगवा अनार। तो देखिए इसकी भी बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है। जब भी नर्सरी से पौधे का चयन करें तो ब्रांचेस बहुत सारी होनी चाहिए, तो ये भी ध्यान दें। और ये है थाई पिंक वेराइटी गुआवा की, देखिए इसके अंदर भी फ्रूटिंग हो रही है, यानी कि ये 100% फ्रूट देगा आपको। ये है वियतनाम माल्टा, देखिए यहाँ पर भी माल्टा एक निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग होगी। उसी तरीके से ये भी थाई फाइव है, और ये थाई पिंक है, ये इसके अंदर भी देखिए नया निकल रहा है फ्रूट। और ये ऑल टाइम यानी कि 12 मासी नींबू है, तो इसमें नींबू के भी फ्लावर्स आ रहे हैं, नींबू भी निकल रहा है। और अगर हम इधर दिखाएं तो इधर ये है चेरी का पौधा, ये जो चेरीज होती है ये उनका पौधा है। और ये है G9 वैरायटी बनाना की, तो मैंने देखी कैसे सेलेक्ट किया, ये पॉट में लगा हुआ था, तो इसके अंदर तीन इसकी ऑलरेडी प्लांट्स आ रहे थे, तो ये काफ़ी अच्छे रेट पे मुझे मिल गया। तो ये है G9 वैरायटी, इनको आप जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हैं इसको मैं कम से कम 10 दिन यहाँ अपने गार्डन में पड़े रहने दूंगी, फिर जब ये थोड़े से यूज्ड टू हो जाएंगे इस एनवायरनमेंट के फिर मैं इनको ट्रांसप्लांट करूंगी, और तब तक मौसम भी ऐसा हो जाएगा कि इनको कभी भी ट्रांसफर शॉक नहीं लगेगा। और ये ली है मैंने आम्रपाली मैंगो की वैरायटी, आप देखिए इसका मेन स्टेम कितना मोटा और मजबूत है, और ये ग्राफ्टेड है, और साइज देखिए प्लांट का कितना बड़ा है। तो ये शॉपिंग आज हम करके आए हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये थी हमारी शॉपिंग जो हमने नर्सरी से की, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।